We've got news just coming in. Let's cut across to Ravi Shankar Prasad. If it's battleground in Azad Maidan, Mumbai, the same happened in the parliament today. The opposition taking on the government all over the entire over the process. Years, let's listen into one thing very clearly. Dr. Manmohan Singh government is a government of scam, shame, scandal, corruption and loot. जो सारे भ्रष्टाचार के घटनाएं हुई हैं पिछले तीन चार वर्षों में वो स्पष्ट बताती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार घोटाले और लूट की सरकार है और ये आरोप हम बहुत जिम्मेवारी के साथ लगाना चाहते हैं और बार बार डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी और कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हम कार्रवाई करेंगे सच्चाई यह है कि कार्रवाई प्रामाणिक रूप से कभी नहीं हुई और यह बात हम कहना चाहते हैं कि सदन के अंदर और सदन के बाहर अगर विपक्ष का दबाव नहीं होता मीडिया का प्रभाव नहीं होता और कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता तो कोई कार्रवाई नहीं होती The BJP would like to reiterate with full sense of responsibility the entire claim of taking action against corruption is absolutely hollow. But for effective intervention by the opposition, including the BJP, notably, inside and outside the parliament, almost a serious campaign of probity by the media, print and television included, and intervention by the court, no action would have been taken. आज में कोल ब्लॉक के लोकेशन के बारे में चर्चा हुई है लेकिन इस स्कैम के कुछ नए आयामों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जैसा उस दिन सुषमा जी और अरुण जी ने बताया था कि 2004 में ही मई जून में यह पूरा योजना कंसीव की गई थी जुलाई में इसकी पहली आपत्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी पीएमओ के द्वारा सितंबर 2004 में अब आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं 93 से 2005 के बीच 70 कोल ब्लॉक एलोकेट किए गए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नियरली 12 इयर्स फ्रॉम 1993 टू 2005 70 coal blocks were allocated, out of which 33 were allocated when the NDA was in power. And in between 2006 to 2010, a small period of 4 years, as many as 146 blocks were allocated. I think this massive allocation of blocks by itself is an indication that where is the scam. स्कैम इज वेरी सिंपल आपके कोल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट बिडिंग होनी चाहिए आपने जो एक्सपर्ट कमिटी बनाई वो कह रही है कि ट्रांसपेरेंट बिडिंग होनी चाहिए आप उस निर्णय को 8 साल तक रोकते हैं 2010 में कानून पारित होता है 2012 में आप रूल नोटिफाई करते हैं 2 साल बाद और इस 8 साल में आप बार बार ये संकेत देते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को और गवर्नमेंट प्लेयर्स को कि कम ऑन द रूल इज गोइंग टू बी चेंज टेक द विंडफॉल और 142 आप कोल ब्लॉक्स एलोकेट करते हैं जिसमें लगभग 57 से 60 ओपन कास्ट माइंस से आपको मालूम है प्राइवेट सेक्टर्स में विच इज अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर ये जो कांग्रेस पार्टी और सरकार की ओर से कहा जा रहा है बार बार कि ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ वो तर्क बहुत ही बेबुनियाद है लेट मी ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन 2G एंड कोल स्कैम द मोमेंट ए कंपनी गेट ए कोल ब्लॉक इट्स वर्थ गोज हाई उसका शेयर भाग जाता है उसकी इकोनॉमिक माइट भाग जाती है जैसे कि स्पेक्ट्रम मिलने के बाद यूनिटेक और स्वान कंपनी का बढ़ गया था तो आप
प्लांट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, दैट इज एंटायरली सेकेंडरी।